हमारे यहाँ जो भी जैसे कोई भी बोल देता है कि पैसा डाल दो या कोई बात करता था, हम ऑनलाइन बेचते ही नहीं जी, हम पैसा मंगाते ही नहीं है, 2000, 5000, 10,000 फोटो ही नहीं बेचते हैं, सैंपल नहीं बेचते हैं, तो पैसा मंगाने का सवाल नहीं उठता, तो पैसा मंगाने का सवाल ही नहीं होता है। सूरत के अंदर जो इतनी सुविधा जैसे आप दे रहे हैं, तो बोले बिना मतलब बिना स्वार्थ के कोई फ्री सेवा नहीं देता आज के टाइम में, तो मैं चाहूँगी आप इस बारे में उन्हें बताएं। देखिए, सोच जैसा रखेंगे वैसा होता है। हाँ हाँ। फिल्म बनती है, फिर बंद भी हो जाता है, फिर चालू भी होता है, क्यों कि उसका रिजल्ट अच्छा आता है। हमारा सोच है निस्वार्थ सेवा देना, हमारे पास जगह है, हमारा खुद का बनाया हुआ है व्यापारियों को रहने के लिए जी। और अपनी अपनी सोच रहती है, जिसको भी ऐसा लगे कि स्वार्थ में देते होंगे तो हमारे यहाँ विजिट कीजिए, आपको जहाँ मर्जी वहाँ माल खरीदिए, जहाँ प्रोडक्ट सस्ता लगे वहाँ लीजिए। हमारे यहाँ कोई रहने खाने के लिए थोड़ी आता है, व्यापार करने आता है, उनको यहाँ सीखने के मिलता है, सुविधा मिलता है। हम क्या सोचते हैं जो उनका 5000, 10,000 का खर्चे का लग जाएगा, हाँ। वो उनको नहीं लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता शर्मा और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आप ही की कंपनी ओम विजय फैशन में। सबसे पहले आप जान लीजिए ये वही कंपनी है जहाँ आपको पूरी सुविधा और सपोर्ट मिलता है और इसका नाम विजय फैशन है, तो उनका ही नाम हो चुका है ओम विजय फैशन, तो नाम को लेकर कंफ्यूज आपको होना नहीं है। सेकेंड, और आपको भी एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये कंपनी पूरे सूरत के अंदर इकलौती ऐसी कंपनी है जो अपने व्यापारियों को रहने की सुविधा फ्री, खाने की सुविधा फ्री, लाने ले जाने तक की सुविधा फ्री देते हैं। यानी उनका एक ही लक्ष्य है, भरोसे का बिजनेस। भरोसा कब होगा? जब आप अपनी आंखों से देखेंगे। और आपकी आंखें कैसे आएंगी? जब आप सूरत आएंगे। तो बिल्कुल आइए, अपनी आंखों से देखिए और खूब भरोसे के साथ में अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाइए। तो आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ यहाँ के ऑनर मिस्टर विजय प्रसाद जी से। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ सर के पास में, तो मिलते हैं सर से। नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है भैया, आज आपसे व्यूवर्स मिलने आए हैं जो कि आपके बहुत अच्छे मतलब तो बहुत ज़्यादा फैन है, इवन यूपी बिहार के लोग तो आपको बड़े प्यार से कहते हैं विजय भाई बिहार वाले। देखिए, हम तो बिहार से ही बने, हाँ, सासाराम रोहतास जिला। हाँ जी। हमारा यूट्यूब खोलते खाली बोले के बाद रहना खाना फ्री, तो ओम विजय फैशन ही खुलेगा जी, हमारा फोटो तुरंत आ जाएगा, इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है, हाँ। कोई बड़ी बात नहीं है। अब यूट्यूब खोलिए और खाली बोलिए रहना खाना फ्री, तो विजय फैशन आ जाता है। सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, कई बार लोगों के दिल में क्या आता है कि कोई भी व्यापारी सूरत के अंदर जो इतनी सुविधा जैसे आप दे रहे हैं, तो बोले बिना मतलब बिना स्वार्थ के कोई फ्री सेवा नहीं देता आज के टाइम में, तो मैं चाहूँगी आप इस बारे में उन्हें बताएं। देखिए, सोच जैसा रखेंगे वैसा होता है। हाँ हाँ। फिल्म बनती है, फिर बंद भी हो जाता है, फिर चालू भी होता है, क्यों कि उसका रिजल्ट अच्छा आता है। हमारा सोच है निस्वार्थ सेवा देना, हमारे पास जगह है, हमारा खुद का बनाया हुआ है व्यापारियों को रहने के लिए जी। और अपनी अपनी सोच रहती है, जिसको भी ऐसा लगे कि स्वार्थ में देते होंगे तो हमारे यहाँ विजिट कीजिए, आपको जहाँ मर्जी वहाँ माल खरीदिए, जहाँ प्रोडक्ट सस्ता लगे वहाँ लीजिए। हमारे यहाँ कोई रहने खाने के लिए थोड़ी आता है, व्यापार करने आता है, उनको यहाँ सीखने के मिलता है, सुविधा मिलता है। हम क्या सोचते हैं जो उनका 5000, 10,000 का खर्चे का लग जाएगा, हाँ। वो उनको नहीं लगे जी। अभी हमारे यहाँ एक व्यापारी रुके हैं, बोलेंगे तो उनको सामने से बता दो, उनको कोई पता नहीं था और होटल में 5 दिन रुक गए, इधर उधर घूमे भी, उनका 10,000 खर्चा भी हो गया। फिर उनको कोई यहाँ बता दिया कि जाओ विजय भाई बिहार वाले हैं, तो मेरे पास आए तो बोले ऐसा ऐसा बात हुआ, तो उनको कितना कष्ट हुआ। फिर मेरे से मिले, उनका 1 रुपया खर्चा भी नहीं हुआ और वो ऐसे निराश होके जा रहे थे। फिर भी हमने उनको हमारे यहाँ आए तो 56,000 का माल भी लेके गए और बहुत खुश हुए कि देखो भैया, हम 8 दिन से परेशान थे कि क्या करूं क्या नहीं करूं, काफ़ी हज़ार रुपये हाँ, खर्च हो गए। तो किसी को भी ऐसा सुविधा प्राप्त नहीं हो, इसके लिए मैं रहना खाना फ्री देता हूं। हाँ हाँ। रात का भी ड्राइवर अलग रखा हुआ है, दिन का भी अलग रखा हुआ है कि कोई भी आवे तो स्टेशन पे 1 घंटा भी परेशान नहीं हुए, क्योंकि रात को उनको समझ में नहीं आता है, गाड़ी उतार देती है, लेट होती है, बारिश भी है, कुछ भी है, तो कहाँ जाएंगे। और एक घर वाले को भी उनको रहता है कि नहीं, सूरत में गए हैं तो विजय फैशन में गए हैं जी। और विजय भाई की जवाबदारी हो जाती है, जो हमारे यहाँ टिकट व्हाट्सअप करते हैं, जो भी व्यापारी टिकट बनाता है तो हमारे स्क्रीन पे जो भी नंबर दिया हुआ है तो उसमें व्हाट्सअप करते हैं। ठीक सर, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि कई व्यापारी क्या करते हैं कि वो आते कि मैं सूरत को देखूंगा, मैं खुद ही व्यापारियों को समझूंगा और वो कॉल नहीं करते, तो ये गलती जब कर देते हैं वो, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए कहना ये चाहेंगे कि वो हमको परेशान करते हैं, हमारी सुविधा को अनादर करते हैं और अपने होशियारी में जाके उलझ जाते हैं, कहीं उनको दूसरा कोई पकड़ लेता है, मिसगाइड कर देता है, तो वो खुद परेशान होते हैं। फिर परेशान होकर यहाँ आते हैं, जो जिसके साथ हुआ है वो वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट में ज़रूर करेंगे बिल्कुल कि हाँ विजय भाई सही बोल रहे हैं। क्यों हमारे लिए आते हो तो आप जब भी घर से निकलते हो तो टिकट व्हाट्सअप कर दो, हम आपको पूरी सुविधा देते हैं जी। यदि हमारे यहाँ आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप बहानाबाजी कर दो, भैया मैं थोड़ा आता हूँ, घूम के आता हूँ जी, तो हमको कोई इतराज थोड़ी है, कोई जबरदस्ती थोड़ी। और वैसे भी सर जैसे आप कहते हैं कि आप पूरे सूरत में लोग कहीं से भी घूम के माल खरीद सकते हैं। हाँ, तो मैं कोई ऐसा थोड़ी करता हूँ, आप बोलो मेरे को दो चार जगह और विजिट करना है, जाओ विजिट करो। ऐसे व्यापारी अभी एक दो मेरे पास रुके भी हैं, आते भी हैं कभी भी, फिर घूम के आकर के मेरे यहाँ संतुष्ट होते हैं तो मेरे से माल लेके जाते हैं जी। तो मतलब ये कोई पाबंदी नहीं है कि आप यहाँ पे आ रहे हैं, रुक रहे हैं, सेवा ले रहे हैं तो आपको यहाँ से खरीदना पड़ेगा, लेकिन बस एक ही लक्ष्य है, एक ही मकसद है पूरे ओम विजय फैशन का कि आपके साथ धोखा ना हो और आपका माल बिकेगा तब मेरा माल बिकेगा। आप जो भी प्रोडक्ट लेके जाते हैं हम पूरी सस्ता नहीं दूंगा। देखिए खर्चा खाने में कोई पैसा नहीं लगता है, इज्जत होना चाहिए, सामने वाले को इच्छा होना चाहिए और मन बड़ा होना चाहिए। बाकी हम इतना व्यापार बड़ा करते हैं, मेरा 1% भी खर्चे में चला जाएगा तो कितना खाएंगे व्यापारी, मैं ये सोच के खर्चे करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनको लूट लूँगा, फिर वो व्यापार क्या करेंगे, फिर मेरे पास आएगा कौन जी, ऐसा मतलब तो वो सब चीज़ दिमाग में नहीं रखना है। यहाँ पे आते हैं तो खुद संतुष्ट हो जाते हैं और इतना खुश होते हैं कि अब हमको मालूम है कि मेरे को खुशी कितना मिलती है। क्या बात है, मतलब कि आपको मैं एक चीज़ कहती थी दोस्तों, अगर आप सूरत आ रहे हैं और यहाँ फ़ोन नहीं करते या जिस कंपनी के लिए आ रहे हैं वहाँ फ़ोन नहीं करते, कोई आपको मिसगाइड करता है या आपके साथ धोखा होता है या कोई क्राइम ही हो जाता है, तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। अगर और हमारे यहाँ जो भी जैसे कोई भी बोल देता है कि पैसा डाल दो या कोई बात करता था, हम ऑनलाइन बेचते ही नहीं जी, हम पैसा मंगाते ही नहीं है, 2000 5000 10,000 फोटो ही नहीं भेजते हैं, सिंपल नहीं भेजते हैं, तो पैसा मंगाने का सवाल नहीं उठता, तो पैसा मंगाने का सवाल ही नहीं होता है। जब यहाँ पे आते हैं खरीदी करते हैं, जितना होता है दे देते हैं, आपके पास बिल रहता है, अकाउंट नंबर रहता है, फिर वहाँ जाते हैं तो वहाँ से डालते हैं जी। बाकी एक चीज़ ध्यान रखना, बार बार बोलता हूँ वीडियो के अंदर, कोई भी व्यक्ति कोई भी स्टाफ बोलता है हमारे अकाउंट में पैसा डाल दो तो नहीं डालना है, विजय फैशन के अकाउंट में डालना है। और हम पहले ऑनलाइन ऑर्डर लेते नहीं है, फ़ोटो भेजते नहीं है, आपको यहीं पे आना पड़ेगा, मैं यहीं पैसा लेता हूँ और यहाँ से ख़रीद के जाते हैं, तो आपको पैसा डालना रहता है, कम पड़ गया तो हम अपना अकाउंट नंबर और बिल का नंबर देते हैं जी। जैसे सर ने कहा कि यहाँ पर ही पैसा लेते हैं और यहाँ से ही माल देते हैं, आप अपने आँखों के सामने माल जो है। हाँ, मेरे यहाँ टाइम ही नहीं है कि मैं फ़ोटो भेजूँगा और पैसा मंगाऊंगा, जब तक फ़ोटो जाता है तो डिज़ाइने ख़त्म हो जाता है, इसके लिए यहीं सामने दिखाते हैं, सामने पैकिंग कराते हैं। और कहीं भी खरीदी किए, खरीदने का मतलब ही यही होता है जी कि आप जैसे सो के ट्रेंड में आते हैं वैसे सो के जाएं, टेंशन फ्री होके, कि आप खरीदी करने आए तो खरीदते नहीं हैं जी। आपको कोई भी सेल्समैन दिखाता है, सैंपल निकालिए, उसके बाद में बिल बनवाइए, माल आँखों के सामने पैक करवाइए, पैक करवाने के बाद में सिलाई पट्टा हो जाता है जी, फिर आप बिल्टी लेके जाइए, बिल्कुल एक तो खरीदी होता है जी। सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, सर कई लोग क्या करते हैं अपने आप को मैन्युफैक्चरर बताते हैं, ठीक है, मैं ये चीज़ उनके लिए कहना चाहूँगी, वो लोग वीडियो पूरा देखते नहीं या फिर वीडियो देखते हैं तो मैन्युफैक्चरर को पहचान नहीं पाते, तो कोई भी मैन्युफैक्चरर क्या एक पीस में डील कर पाएगा? देखिए एक एक पीस जो क्या है, ऑनलाइन में जो कपड़ा बेचते हैं ना तो एक एक पीस बेचते हैं और सारा दिन में 50-100 पीस बेच लेते हैं, तो उनका रिटेलर काम रहता है कि वो मैन्युफैक्चरर नहीं होते। हाँ, कि एक एक पीस बेचना है तो उनका 10 में 20 ग्राहक ने फ़ोन किया, एक पीस सेलेक्ट कर लिया तो एक एक पीस बेचारे बेच लेते हैं जी। तो एक एक पीस जो अगर मान लीजिए साड़ी आप मंगाते हैं या कुर्ती मंगाते हैं या कुछ भी लहंगा, कोई एक पीस अगर आप मंगाते हैं तो वो मैन्युफैक्चरर नहीं होते, इस बात का आप ख्याल रखें। और मैन्युफैक्चरर को पहचान करके आप मैन्युफैक्चरर से ही जुड़े, तभी आपको फ़ायदा हो पाएगा और तभी एक अच्छा बिजनेस। देखिए हम लोग के पास तो फोटो भी भेजने का टाइम नहीं होता है, यहीं से दिखा के देने में फुर्सत नहीं है, तो हम लोग एक पीस का क्या फ़ोन भी नहीं करते हैं और हम लोग फ़ोन आता है तो मना कर देते हैं कि एक पीस का काम कोई नहीं है। थैंक यू सो मच भैया, आज तो जितनी अच्छी मतलब बातें आपने बताई हैं सभी के काम में आई होंगी और सभी अपने बिजनेस के लिए एक सीख ले लिए होंगे आज की बातों से। तो सूरत आप आते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आपने स्किप करके देखा है तो स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, हर एक बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सूरत आने के बाद। थैंक यू सो मच भैया।